तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग गणेशा बना रहे हैं और आगे का हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका ड्राइंग, और उसके बाद फिर हम लोग इसका फिलिंग वर्क के साथ करेंगे। तो मैं ड्राइंग को हाईलाइट करती हूँ फर्स्ट, एंड देन विल गो टू स्टार्ट। तो ये हम लोगों का ड्राइंग है। हम लोग आगे का ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। हम लोग आगे का ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। सेम यहां पे डबल लाइन, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके सेंटर पे वन मोर लाइन हम लोग लेंगे, एंड उसके बाद फॉलो करेंगे इस पैटर्न को। एक और लाइन, सेम हम लोग यहां पे इसके सेंटर पे हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। And double line हम लोग इस तरीके से draw करेंगे। अब इस part को हम लोग आएंगे, इनका धोती है उसमें, धोती वाला पार्ट को भी हम लोग सेम ड्राइंग को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, तो धोती वाले पार्ट को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम इस पार्ट को एक और लाइन लेंगे यहाँ पे, एंड लाइन डबल लाइन, एंड यहाँ पे फिर हम लोग बड़ा इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और डबल लाइन
तो ये हम लोगों का हमने ड्रॉ किया, सेम हम फॉलो करेंगे इस साइड भी। फिर एक और लाइन, अंदर का आउटसाइड फ्लावर ड्रॉ करेंगे। आउटर हम लोग डबल लाइन, कर लिए। अभी आगे का हम लोग जितना पैटर्न है सब बनाते जाएंगे और लास्ट में फिर कलरिंग का पार्ट पे हम लोग आएंगे, जहां जहां हम लोगों का जितना ड्राइंग है वो सारा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब धोती में हम लोग इस तरीके से लाइन देंगे, डबल लाइन, तो सेम हम लोग लाइन दूसरे साइड के धोती में भी देंगे। तो धोती का हमने इसे डिवाइड कर लिया, डिमार्केशन। अब हम लोग इनका ज्वेलरी का पार्ट एंड ऑल हम लोग सारा ड्रॉ करेंगे। हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग एक रैट को डिवाइड करेंगे, ड्रॉ करेंगे। रैट इनकी सवारी होती है, तो इस पार्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे। रैट, तो रैट को हम लोग छोटा सा पहले उसका फेस बनाएंगे। बॉडी, डबल लाइन, रैट का लेग,
ईयर डबल लाइन हम लोग इसका लेग का भी पार्ट को ये हमने रैट का नेक के पास अंदर का अब हम लोग इस पार्ट पे ऐसे लंबा लंबा ड्रॉ करेंगे अंदर का लाइन तो ये हमने रैट के अंदर का डिजाइन बना लिया। अब रैट का आईज हम लोग कैसे बनाएंगे गोल सा उसके अंदर आईबॉल रैट का पार्ट हो गया। अब हम लोग ट्रीज में ट्री का हम लोग वन साइड से एक और लाइन देंगे जैसे मैं जैसे दे रही हूं उसको आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। इस पार्ट का तो हम लोग जैसे इस तरफ से एक लाइन मैं दे रही हूं अभी इस तरफ से एंड इसके ऊपर से तो हम लोग अपोजिट फॉलो करेंगे और जो मैं ले रही हूं आपको बाद में इसका डिफरेंस पता चलेगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं जब हम लोग कलरिंग करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा ये इसके ऊपर से एंड ये अंदर से फिर यहाँ हम लोग आउटसाइड से इनसाइड से कर लिए ड्रॉ। सेम इस साइड का भी हम लोग फॉलो करेंगे इसमें हम लोग इस पार्ट को सॉरी इस पार्ट को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं तो एक अभी हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे इधर से एंड इस साइड हम लोग अब सारा लीफ बना लेंगे
तो ये हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे। अब हम लोग ईयर के बीच का ड्राइंग हम लोग लेंगे, इनके इस सेंटर पे हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड इसको फिर फ्लावर जैसा से बनाएंगे। इस पे हम लोग डबल लाइन करेंगे। साइड का हम लोग इस जगह पे ईयर का कॉर्नर डबल लाइन अगेन वन मोर लाइन और सेम हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इस साइड भी ड्रॉ करेंगे। वन मोर लाइन एंड लॉकिंग तो कम है ना। उसके बाद हम लोग बाहर का एक और ड्रॉ करेंगे। वन मोर डबल लाइन ये हमारा इधर का कंप्लीट हुआ। इस जगह पे हम लोग मुकुट को डबल लाइन करेंगे इस तरीके से लंबा लंबा। डबल लाइन अभी हम लोग दूसरे साइड का भी लीफ वाला पार्ट फिनिश करेंगे।
लीफ का पार्ट हम लोग ऐसे फिनिश करेंगे। बहुत आराम आराम से हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लीफ हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। अब लीफ का हम लोग वन साइड से कचनी वर्क करेंगे। हम लोग लाइन से ऐसे फील करेंगे, तो इस तरीके से लाइन हमारा चलेगा वन साइड से लीफ का, और वन साइड का वर्नी वर्क करेंगे। ऐसे हम लोग सारे लीफ में इस तरीके से लाइन डालते जाएंगे। वन साइड तो अभी हम लोग सिंगल फिगर डिजाइन बना रहे हैं, उसके बाद डबल फिगर होता है, उसके बाद मिनी फिगर्स होता है, तो ऐसे बनता जाता है। डोली बारात इस तरीके का, तो बहुत सारा फिगर फिर बनता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का फिगर बढ़ता जाता है, एंड फिर हम लोग बड़ा बड़ा और करते जाते हैं जितना डिपेंड है। और हम लोग क्लोथ के ऊपर करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को क्लोथ के ऊपर मीडियम की जरूरत होती है करने के लिए, क्योंकि उसको हम लोग वॉश करते हैं तो उसका कलर नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हम लोग
क्लोथ पे जब करते हैं तो मीडियम का यूज करेंगे और सेम पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जो तरीका हम लोग इस पे बना रहे हैं उसी तरीके से हम लोग, अब जैसे ये हमने जो ड्राइंग बनाया है, इस ड्राइंग को आप किसी भी जैसे कुशन हो गया तो कुशन का आप सेंटर से ले लेंगे इस ड्राइंग को, तो हम लोग एक साइड का ही ऐसे इस तरीके से लाइन वाला वर्क करेंगे, वन साइड से हम लोग ऐसे लाइन देते जाएंगे और वन साइड से हम लोग फिलिंग वर्क करेंगे। मुझे तो फॉर्नी वर्क बहुत कचनी वर्क पसंद है, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे इस वर्क को करने से, इसका लुक काफी सुंदर उभर करके आता है।
ऐसे नजदीक नजदीक हम लोग लाइन करते जाएंगे। तो आप लोग सबके पास मीडियम है क्या? है दीदी। अच्छा हाँ, तो हम लोग मीडियम से जैसे पानी से डाइल्यूट करते हैं ना, उस तरीके से हम लोग मीडियम से डाइल्यूट करेंगे जब क्लोथ पे करेंगे तो। रेशियो उतना ही रहेगा। हाँ, थिकनेस को हम लोग देखेंगे कि कितना हमको चाहिए, उस वैसे ही जैसे डाइल्यूट करना है तो कलर का इक्वल प्रोपोर्शन रेशियो भी हम लोग यूज करते हैं। एंड मीडियम को फिर हम लोग मीडियम से ही हम लोग करते हैं उसका वर्क, वाटर क्लोथ के पे जब हम लोग करते हैं तो। तो व्हाइट कपड़ा ला के रखेंगे क्या या कोई अदर कलर? व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऑफ व्हाइट पे ज्यादा अच्छे से आता है कलर, लाइट कलर पे भी आएगा, बहुत लाइट शेड होगा, डार्क कलर नहीं लेंगे हम लोग, व्हाइट, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, इस तरह का कलर हम लोग ले सकते हैं। तो उस पे हम लोग उसको करेंगे। अब हम लोग इनके आईज को के पार्ट को भी हम लोग लाइन से ही ऐसे फिल करेंगे ऊपर वाला। आईब्रो को भी हम लोग लाइन से फिल करेंगे। ये पार्ट हम लोगों का ओवर हो गया, इसे भी हम लोग फिनिश करेंगे। हम लोग बाउंड्री का भी मैं बता देती हूँ एक बारी। बाउंड्री जो है इसको भी हम लोग लाइन से करने वाले हैं, तो सीधा सीधा लाइन जाएगा। ये हम लोगों का लोटस का पार्ट को हम लोग इस तरीके से लाइन से फिल करेंगे। तो हम लोग इसका बेस कलर वगैरह जो करेंगे, अच्छा सॉरी, हमने ये रैट का पूछ, वन साइड से डबल लाइन, तो हमारा रेड का हमने पूछ बना लिया है। अब हम लोग ये सारे का बेस कलर करेंगे, जो कलर आपको पसंद है। जैसे मान लीजिए कि ये येलो कलर लेंगे, इसको इसको हम लोग ऑरेंज कलर ले सकते हैं। तो हम लोग एक एक का कलर, ये तो कंप्लीट ब्लैक कलर होगा, ये जो पार्ट है वो पूरा ब्लैक होगा और ये व्हाइट ही रहेगा, इसको हम लोग ब्लैक कर देंगे और ये व्हाइट रहेगा, ये वाला पार्ट। तो आज हम लोग इसको फिनिश करते हैं ब्लैक कलर से।
मीडियम भी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं डालेंगे, मतलब उतना डालेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि ब्रश का स्ट्रोक्स चल रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे मीडियम। तो वो एक ध्यान देना होता है, और मीडियम से ही कलर करेंगे तो वो वॉश करने पे उसका कलर छूटेगा नहीं। तो हम लोग शिवलिंग कलर कर लिए ब्लैक से। तो इससे आपको सारा ड्राइंग का जो मेन है वो इंग्रेडिएंट वो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा मेन है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शिवलिंग है जो कि कलर हमें करना है। वो शिवलिंग को जैसे पकड़ रहे हैं तो ये हमें दिखाना है। और अब हम लोग ये सारे जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग डिफरेंट कलर से करना है। बैकग्राउंड का कलर हम लोग जैसे मैं बता देती हूँ कौन कौन सा कलर बेस लाइन होगा। तो ये हमारा हमने कर लिया ये कलर। बेस कर लिया। अब हम लोग इसका कलर लेंगे जिसके पास जो जो कलर अवेलेबल है या फिर जो नहीं है। तो जैसे ये हम लोगों का मेजेंटा होगा। अब इसके अंदर भी हम लोगों का फ्लावर बनेगा, वो भी हम लोग आज ही ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कलरिंग का काम करेंगे। तो इनका जो ये जैसे ये पार्ट है हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे फ्लावर इसको। ऐसे हम लोग फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे।
एक अप्रोक्स अंदाज लेकर के हम लोग ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये हम लोगों का, हमने ये पार्ट को फिनिश करा है। हमने ये लीफ वाला पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो इसमें भी सारे में ऐसे लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग ड्रॉ करके रखेंगे सारे लाइंस। उसके बाद मैं कलर करके फील करके डालूंगी, तो आप लोग उस कलर को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मैं इसके बेस को कलर फील करके डाल दूंगी फोटो खींच करके, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा कलर फील करने में। तो इस तरीके से आप लोग सारे लीफ को वन साइड से लाइन से ऐसे कर लेंगे, और वन साइड हम लोग ग्रीन कलर फिल करेंगे, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल होगा। सैप ग्रीन होगा तो सैप ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन होगा तो ब्रिलियंट ग्रीन, और ये मेजेंटा कलर का होगा इनका, ये येलो कलर का होना है, ये ऑरेंज होगा, ये पार्ट हम लोगों का ब्लू कलर से करेंगे हम लोग। तो वैसे सारे का एक एक कलर से हम लोग करेंगे, और उस तरीके से इसका, क्योंकि ये कलरफुल में है, ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो हम लोग इसमें वर्नी और कचनी वर्क दोनों साथ में हुआ है, हेचिंग एंड फिलिंग दैट इज कॉल्ड। तो हम लोग उस तरीके से ये हम लोग अभी हेचिंग कर रहे हैं, एंड देन जब कलर से करते हैं दैट इज फिलिंग। तो ये हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग करेंगे। अब हम लोग एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे हमारा ये बाउंड्री है, तो इसके अंदर भी ये हम लोग लाइन देंगे सारा इस तरीके से, लाइन से फिल करना है। तो ये पार्ट को हम लोग लाइन से करेंगे, फिर इस पार्ट को भी हम लोग लाइन से करेंगे। इसमें भी हम लोग इस तरीके से लाइन लेंगे, और इसमें भी ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ये भी पूरा लाइन से बना। अगर आप लाइन नहीं करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि व्हाट यू वांट, अदरवाइज इसमें ऐसे लाइन से ही हम लोग करेंगे। क्योंकि ये तब उभर करके आएगा जब हम लोग ये बेस करेंगे, और इस ये बेस हमारा जैसे कलर होगा, इस गैप में भी कलर होगा, तो ये सारा
हम लोगों को उभर करके आएगा। तो ये आप लोग इतना आप लोग करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का मैं कलर करके डाल दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग उसको तो इस तरीके से हम लोग पूरा लाइन से फिल कर लेंगे। इसका अंदर का इस तरीके से लाइन होगा। तो आप लोग बाउंड्रीज को सारा फिनिश करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिलिंग वर्क करेंगे। तो ये हम लोगों का इसका बॉर्डर हम लोग फिनिश करेंगे और फिर अंदर का हम लोग कलर करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लाइन से इस तरीके से सेम हम लोग इस साइड का भी कर लेंगे। तो ये हम लोगों का आज का वर्क कंप्लीट एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं कलर करके डाल दूंगी और आप लोग उसको उस कलर को फील करके और नेक्स्ट क्लास में आएंगे उसके ऊपर से हम लोग ड्राइंग करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर बनाया आपने। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू दी। नमस्कार दी। नमस्कार।